कल्कि हिंद पुराण का ऐसा शब्द जो आने वाले समय में धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे और समस्त बुराई और अधर्म का सर्वनाश करेंगे, ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। तो अभी भगवान कल्कि के आने के लिए बहुत समय है। अब बात करते हैं हाल ही में आई फिल्म कल्कि की। इस तरह कल्कि नाम अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो इस नाम पर बनने वाली फिल्म को तो कुछ भी नहीं बना सकते। इसलिए एक ऐसी यूनिक और दमदार कहानी के साथ, पावरफुल एक्शन और अमेजिंग टैलेंट के साथ कल्कि मूवी को बड़े पर्दे पर उतारा गया है, जिसे देखकर तो ऑडियंस के होश ही उड़ गए हैं और मूवी के काफी सारे डाउट भी क्लियर हो गए हैं। इस मूवी की सबसे खास और सबसे बड़ी चीज है इसका VFX, जो इस मूवी को हाई लेवल और सबसे अलग बनाता है। और इसकी वजह है कि इसकी VFX पर बहुत मेहनत की गई है और इसकी बारीकियों पर भी बहुत काम किया गया है, और ये चीज इस मूवी की हर एक सीन में साफ साफ दिख रहा है। इसमें दिखाई गई दुनिया को जितना बेहतर बनाया गया उसमें उतनी ही कड़ी मेहनत और माइंड सेट भी लगा है, जिसे करना इतना आसान नहीं है। इसकी छोटी छोटी चीजों पर इतना फ्रेशली काम किया गया है कि जरा सा भी ध्यान भटक न सके। लाइट्स और बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह और वास्तविक रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया काशी भी बहुत अलग है, जिसे देखकर लग रहा है कि फ्यूचर में काशी बहुत आगे चला गया हो। ये सब इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन जी का कमाल है, जो कि इसमें इन्होंने अपने मेहनत और टैलेंट को पूरा समर्पित कर दिया है और इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसको ऑडियंस को पूरा एंटरटेन करना है। इसके बाद बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर यानी इसकी स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे हाईलाइटेड कैरेक्टर पर, और वो कैरेक्टर है अश्वत्थामा का, जिसे निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। महाभारत के अश्वत्थामा का किरदार काफी दुर्लभ है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इसमें बिग बी अमिताभ बच्चन सर ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बाकी अब तक की सबसे हटके है। इस कैरेक्टर में जितना धांसू ने नाग अश्विन जी ने दिखाया है उतना अब तक शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा, पर इस जिम्मेदारी को अमित सर ने भी बाखूबी निभाया है और इस उम्र में भी बढ़िया एक्शन करके दिखाया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर अश्वत्थामा की बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस में जान डाल दी है, जो कि हमें वास्तविक दिख रहा है और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें दिखाया गया महाभारत का सीन वाकई में महाभारत की याद दिला देता है, और बड़े पर्दे में गजब तरीके से महाभारत के सीन को दिखाया गया है। इसमें इसका बैकग्राउंड साउंड हाई लेवल के एक्शन क्रिएट करता है, और सबसे बड़ी बात इसमें दिखाए गए भगवान कृष्ण के छोटे से किरदार ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के इस किरदार को निभाने वाले एक्टर श्री कृष्ण कुमार जी ने सबका दिल जीत लिया है अपने इस किरदार से और सबको हैरान कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। जिस तरह इन्होंने इस किरदार के बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा उससे साफ साफ पता चलता है कि सचमुच श्री कृष्ण जी की कैरेक्टर में ही लग रहे हैं। यहाँ प्रभास सर ने भी अच्छी मेहनत की अपनी इस बड़ी एक्शन फिल्म के लिए। इन्होंने भी हमेशा की तरह अपने एक्शन में फिर से जबरदस्त तड़का मारा है। इनका ये लुक भी कम नहीं है किसी से, और इस लुक से भी औसम लुक है इनका कर्ण का लुक, जो कि कुछ ही समय के लिए आता है और सबकी नजरों में छाप छोड़ जाता है, और इसमें जो इनका अंदाज है वो लोगों को काफी पसंद आता है। हालांकि मूवी आने से पहले काफी सारे डाउट थे कि प्रभास सर को भगवान कल्कि के रूप में दिखाया जाएगा या तो भगवान विष्णु के रूप में दिखाया जाएगा, पर इस मूवी की रचयिता ने एक अलग ही चक्र चलाया और प्रभास सर को कर्ण के रूप में दिखाया। तो ये है डायरेक्टर नाग अश्विन जी का कमाल। तो इसमें प्रभास सर लोगों की उम्मीदों में कायम रहे और अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस की। अब बात करें सुप्रीम व्यास की यानी कमल हसन सर के बारे में, जो कि इस कहानी को पलटने वाले हैं। हालांकि इन्हें इसमें बहुत कम दिखाया है पर बहुत डेंजरस दिखाया है, और हमने देखा कि एक बूंद सीरम से ये खुद को कितना पावरफुल बना ली और अपना डेंजर लुक लेके स्वयं सुमिति के पास जाने का निर्णय लेते हैं। इनका भयानक लुक कहानी में काफी सारा सस्पेंस छोड़ चुका है, जो कि हमें अगले चैप्टर में दिखाया जाएगा। अब बात करें कैरेक्टर सुमिति की, तो इसमें जितना दिखाया गया है उसमें काफी सारा इमोशंस दिखाया गया है, जो कि हर माँ के जीवन का एक पार्ट है, और दीपिका मैम ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस किरदार को बेहतर बनाने के लिए, और इस हालात में भी इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इसमें हमने देखा कि एक ऐसे बच्चे की माँ है जो कि
पूरी दुनिया को बचाएगा और समस्त पृथ्वी को पाप और अधर्म से मुक्त करेंगे। और इनका जन्म शायद कल्कि पार्ट 2 में दिखाया जाए, क्योंकि हमने कल्कि में देखा कि किस तरह भैरवा सुमित को लेके चले जाते हैं और अश्वत्थामा जी कुछ नहीं कर पाते अभी तो वो बंदी थे। पर पार्ट 2 में एक महासंग्राम तो होने ही वाला है और साथ में इनका जन्म भी, जिसमें हमें बहुत से रहस्य देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि भैरवा और अश्वत्थामा जी साथ में सुमिति को बचाएं और सुप्रीम यास्किन से द्वंद करें। और इन सब लीड स्टार कास्ट के साथ साथ सारे सपोर्टिंग रोल और साइड एक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सबने खूब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है। इसमें हमने महाभारत के थोड़े से सीन देखे, जिसमें हमने देखा कि कर्ण और अर्जुन का एक भीषण युद्ध होता है और अर्जुन के किरदार में हमने देखा विजय देवर कोंडा सर को, जो कि एक हैरान कर देने वाला सीन था। और अर्जुन के किरदार में परफेक्ट लग रहे थे विजय देवर कोंडा सर। कुछ क्षण का ये सीन और इनके डायलॉग ने तो लोगों के दिल जीत लिए थे। इसी तरह अचानक से आके दुलकर सलमान सर ने भी स्क्रीन पे सबको हैरान कर दिए थे। और इसमें ये भैरवा के गुरु रहते हैं, हालांकि इस पार्ट में भी ये कम थे पर अगले पार्ट में शायद ये फिर से आए। रॉक्सी यानी दिशा पटानी जी भी एक अलग फेवर में आती हैं और इसमें थोड़ा हटके परफॉर्मेंस दिखाती हैं, जो इन्हें इसमें बेहतर बनाती है। कर्नल ठाकुर जी का दिव्य कैरेक्टर में इमोशन भी खूब दिखा है। हम ये तो जानते इस मूवी का बजट 600 करोड़ और इस बजट में बहुत कुछ दिखा है। इस मूवी में एक और खास चीज है, जो है इस मूवी में दिखाई गई कार बूची। माना जाता है इस कार का बजट 6 से 7 करोड़ है। इसकी धमाकेदार एंट्री होती है भैरवा के साथ इस मूवी में और इस समय ये कार भी काफी चर्चे में है। इस कार के डिजाइन के साथ इस कार द्वारा किए गए एक्शन भी काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके काफी सारे सीन्स VFX द्वारा किए गए हैं, जो कि हमें काफी चौंका देते हैं। और इस कार का बोलना इसे सबसे अच्छा बनाता है, जिसकी आवाज है साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस प्रीति सुरेश जी। अभी इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। तो ये रही कल्कि पार्ट 1 की बात, देखते हैं हमें कल्कि पार्ट 2 में क्या क्या देखने को मिलता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।